हेलो पंजीत, वो पानी कहाँ मर गया यार, अभी तक आया नहीं। आ रहा होगा, आ रहा होगा, जा फटाफट उसको देख के आ जा। अच्छा, जल्दी कर। जाते हैं। कहाँ थे यार आप अभी तक? आज तो सीजन का टाइम है, आज टाइम पे नहीं आओगे तो फायदा क्या है हमारा? देखो ना कितना रश पड़ा हुआ है आज। वो लेट हो गया थोड़ा सा, करवा चौथ का टाइम है यार, आज तो जल्दी आया करो। मेरी बात सुनो, काम करना है तो टाइम से आओ, नहीं तो कल के बाद इधर नहीं आना। नहीं सब, मैं कल से टाइम पे आऊंगा। इधर बंदूक की कमी नहीं है हमारे पास, बहुत बंदे आ रहे हैं, कल से बराबर अपने टाइम पे पहुंच जाना अगर करना है काम तो। बाहर सामान पड़ा हुआ ना, वो सारा स्टोर में डाल दो, तो लड़के लगा के, लड़कों को बोलो लड़के खोल देंगे जी। जल्दी करो जी, जल्दी जल्दी। आइए हम आपको मिलवाते हैं अपनी फिल्म के मेन किरदार पांडी से। ये रचाते हुए भी हर रोज सुबह लेट हो जाते हैं। ये जब भी अपने काम पे पहुंचते हैं तो इनका स्वागत गालियों से होता है, लेकिन ये कभी नहीं सुधरे। अजीब से किस्म का करैक्टर है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मनमोजी है। इसके जीवन का एक ही लक्ष्य, दिन भर कमाना और शाम को खाना। सारे दुकानदार इससे अपना काम तो करवाते हैं, लेकिन मजदूरी के नाम सिर्फ इसे कुछ पैसे देते हैं, जो इसकी मर्जी के खिलाफ होता है। लेकिन किसको इसकी परवाह है, और ये चुप करके जो भी पैसे मिलते हैं निकल जाता है। यकीन नहीं आ रहा, आप खुद ही देख लीजिए। मोटी लाइट उधर पीछे लगाना। हेलो साहब, आगे बच्चे। हाँ जी, आई शाबाश। हेलो तेरी दाढ़ी 10 रुपए? हाँ तो और क्या, इतना ही मिलता है। चलो चल जल्दी आगे। साहब जी, पहुंचा दिया मैंने। कहाँ था तू सुबह से? मेरे कितने ग्राहकों पे चले गए, इतना टाइम लगा दिया तूने। सब वो पैसे। पैसे? बस तुम लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए, ये ले। सिर्फ 10 रुपए? हाँ चल निकल अब। साहब जी, पहुंचा दिया मैंने सामान। ठीक है ठीक है। ये ले तेरी दिहाड़ी। सिर्फ 20 रुपए? और कितने चाहिए? सब पूरा दिन लगाया तो 1,00,000 रुपए दूं क्या? सब इतना ही देते हैं, चल निकल यहाँ से। और हाँ सुन, दोबारा जब बुलाऊं काम पे तो चुपचाप आगे काम किया कर, ज्यादा ड्रामे मत किया कर, चल निकल यहाँ से। तो देखा आपने, आज एक नए दिन की शुरुआत एक नई सुबह के साथ। चलिए देखते हैं कि आज इनकी ज़िंदगी में क्या लिखा है। ये दिन भी उनको सिर्फ गालियाँ ही मिलती हैं, या इनकी किस्मत में कुछ और लिखा है, आइए देखते हैं। सब नग लाना है, जो लाया हुआ है वो नहीं बिका, ऊपर से तुम आ गए। चलो निकलो दफा यहां से। बहुत परेशान हूं, शाम को क्या खाऊंगा कुछ पता नहीं है। क्या बात है भाई, बड़े परेशान लग रहे हो।
क्या बताऊं भाई साहब, एक वक्त हुआ करता था जब मैं दिन का 40 रुपए कमाया करता था, और अब देखो कोई काम देने के लिए राजी ही नहीं है। आज तो सही है यार, आजकल मार्केट में काम मिलना थोड़ा मुश्किल है, सबका धंधा मंदा है। मेरी नज़र में कुछ काम तो है नहीं यार। हाँ याद आया, ये जीनत पार्क है ना। हाँ हाँ, ये शहर के बाहर। हाँ हाँ, सुना है वहाँ पे शूटिंग वाले आए हुए हैं। आप एक काम करो, वहाँ जाके पता करो, क्या पता कुछ काम मिल जाए आपको। ठीक है भाई साहब, शुक्रिया। फोकस दो। रेडी साउंड कैमरा एक्शन। रेडी साउंड कैमरा एक्शन। फोकस दो, फोकस राइट में आ जाओ, राइट में। हाँ कैमरा साउंड एक्शन। क्या चाहिए? काम मिलेगा? वो कहाँ से आया यार ये, इसको भगाओ यहाँ से। एडी कट इट। कौन है यार ये, कहाँ से आया, इसको बाहर निकालो। एडी कहाँ एडी? अबे क्या प्रॉब्लम है तेरी, क्यों आया यहाँ? सब काम मिलेगा, काम चाहिए तो तू कैमरामैन को क्यों मांग रहा था? उधर डायरेक्टर साहब को मांगना। कौन ये? हाँ ये टोपी वाले। अच्छा अच्छा, हाँ इनसे। ठीक है चलता हूँ। ले लो राइट में, कैमरा फोकस करना। हाँ ठीक है, बढ़िया जा रहा है। ओके ओके ओके। कटेट। अबे कहाँ से लाया यार, पकड़ के इसको। सर वो कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर सर, अगली बार ध्यान रखना। ठीक है सर। काम मिलेगा? कौन है भाई ये? सर काम मांग रहा था। बोरी उठा लेगा? हाँ सही है, इसको ले जाओ, मेकअप करो, रेडी करके ले आओ। ठीक है सर। साहब वो चाय मिलेगी? अरे चाय भी मिलेगी, ले जाओ इसको। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, ठीक है? ओके कट। रोल कैमरा। रोलिंग सर। क्लैप साउंड एक्शन। कट इट। नाइस शॉट। नाइस वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे अच्छा लड़का ही, बहुत अच्छा गया। तुम एक काम करो, इसको आज के 500 दे दो और इसका नंबर ले लो। नेक्स्ट शूट 2 दिन के बाद है, इसको वो अपना करेक्टर है ना रामदीन वाला, वो करेक्टर इसको दे दो, उसको तैयार कराओ। ठीक है ओके ओके सर। पैकअप मिल गया ना तेरे को, खुश है अब? हाँ हाँ सुन, ये ले आज तेरी दिहाड़ी। असली है? हाँ असली, क्या बात कर रहा है, ये पूरा का पूरा मेरे लिए? हाँ हाँ तेरे लिए। मैं चलता हूँ। और हाँ सुन, हाँ कल से टाइम पे आ जाना। अब तो मैं रोज टाइम से आ जाऊंगा। तेरा लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले, इतना सारा खाना मैंने जिंदगी में नहीं देखा था, और आज इतना सारा खाना सिर्फ मेरे लिए। सलामत रहे वो शूटिंग वाले जिन्होंने आज मुझे 500 रुपये दिए, वो रोज़ मुझे शूटिंग पे बुलाए और 500 रुपये दें ताकि मैं यहाँ आके भरपेट खाना खा सकूं। खाओगे हैं? कोई बात नहीं, आपकी तरफ से भी मैं खा लेता हूँ। शुक्र है शुक्र है। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम वो सीन शूट करेंगे ना, जब हीरो की एंट्री होगी तो पीछे बैकड्रॉप में बहुत सारी जनता चाहिए, उसे सीन की वर्थ हो जाएगी। क्या कहते हैं? हाँ सर ठीक है बिल्कुल। हाँ भाई सर ले आया मैं इसको। ये कौन है? सर आपने बुलाया था ना शूट के लिए। मैंने बुलाया था? जी सर। हाँ सर वो शूट में बुलाया था ना आपने। अच्छा अच्छा ठीक है, ले जाओ इसका मेकअप करवाओ, कॉस्ट्यूम चेंज करवाओ और सेट पे ले जाओ। ठीक है सर जाओ। आ जाओ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो बैकड्रॉप में जब जनता होगी ना तो सीन की बहुत ज्यादा जबरदस्त लुक आ जाएगी, क्या कहते हो? बिल्कुल सर। तो सेट रेडी है? हाँ बिल्कुल। चलो आप जाओ सेट पे। ओके सर। हाँ सीन टेक करते हैं, मैं आता हूँ। ओके सर। ओके ओके हाँ सेट रेडी है।
कैमरा रेडी कैमरा यस सर रेडी अरे ये आटो कहाँ रह गए रेडी सर आया सर अरे यार तुम कोई काम ढंग से करोगे जब देखो लेट सॉरी सर अच्छा लग रहा है लड़का कर लेगा जी सर डरेगा तो नहीं नहीं पक्का जी स्क्रिप्ट समझा दी इसको डायलॉग्स भी बता दिए चलो सर चलो चलो शॉट ले रहे साउंड रोलिंग सर कैमरा रोलिंग सर क्लैप सीन फाइव टेक वन एक्शन देख भाई मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रही तेल लिया अच्छा होगा तो उसे भूल जा हो गया तेरा कहा था ना मैंने हमारे बीच में मत पड़ हो गई तसल्ली अब मुझे मेरा काम खुद करने दे और तू साइड हट सीन सेवन टेक फाइव एंड एक्शन हेलो तेरा काम हो जाएगा मैं बिना एडवांस के काम नहीं करता एडवांस भेज तेरा काम हो जाएगा सीन एट टेक फाइव यार तुझे पक्का यकीन तो यहीं पे मिलेगा ना हाँ मुझे पूरा यकीन है तेरे पर कोई घर पर तो नहीं होगी नहीं नहीं यार अगर इस पर वो हाथ से निकल गया ना तो बड़ी मुश्किल है उसको पकड़ना हाथ से जाएगा तब ना चला जा मेरे साथ डर मत आऊँगा आऊँगा क्यों नहीं यार बात तो सुननी चाहिए यार दोस्तों की साहब जी यार एक मिनट होल्ड रखना यार हाँ क्या बात है वो शूटिंग वाले नहीं दिख रहे शूटिंग वाले तो चले गए हैं चले गए हाँ वो तो कल रात को ही चले गए थे कब आएंगे कुछ पता मैंने क्या उनका ठेका लेके रखा है हाँ हेलो ओ यार क्या बोलूं यार डिस्टर्ब कर ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग बिना बताए चले गए मेरा क्या होगा ना मैं मजदूरी करने के लायक रहा और ना ही फिल्म्स अब मैं खाना कहां से खाऊंगा तू मजदूर था मजदूर ही रहेगा चल बेटा अपने पुराने धंधे पर लग जा भैया कुछ काम तो नहीं है हेलो आप तो हमारे स्टार हो यार है? आप वही हो ना जो फिल्मों में काम करते हो अरे कहाँ भाई साहब पहले काम करता था हाँ नहीं यार आप तो या, आप वही काम करो यार क्या कर रहे हो शर्मिंदा कर रहे हो मुझे यार आप हैं आप तो हमारे स्टार हो भाई साहब वो काम मिलेगा यार भाई साहब आप क्या बोल रहे हो हमें हम तो आपकी पिक्चर देख रहे हैं आप तो स्टार हो ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आप हमारे दुकान पे आए और आप हमें शर्मिंदा कर रहे हो हाँ हाँ वो ठीक है लेकिन काम मिलेगा नहीं भाई साहब हमें शर्मिंदा मत करिए आप प्लीज आप तो अपना ऑटोग्राफ दीजिए हमें ये लीजिए यार ये ऐसे ही चला गया समझ उठ गया ओके सर यार वही स्टार थे ये हम इनको जानते हैं ना अजीब सी कश्मकश है न जाने ऊपर वाला कौन सा खेल खेल रहा है न मुझे मजदूर छोड़ा और न कोई और काम करने लाई ये कहते हैं कि आप स्टार हो शान हो हमारे शहर की
पर इन जाहिलों को कौन समझाए कि स्टार या शहर की शान बनने से पेट नहीं भरता है, उसके लिए रोटी चाहिए साहब और रोटी कमाने के लिए काम, जो मेरे पास है नहीं तो मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद नहीं बचा। जिंदगी से बहुत तंग हो चुका हूँ, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रही, मेरा मर जाना ही अच्छा है। ऊपर वाले मुझे माफ़ कर देना, अब मेरे पास यही रास्ता है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ओ पांडे, क्या शूटिंग वाले ढूंढ रहे हैं तुझे? शूटिंग वाले ऊपर वाले मेरा मरना आज पोस्टपोन, वो शूटिंग वाले बुला रहे, आपसे बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। 500 रुपया, भरपेट रोटी, चल भाई चल।